प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर्नाटक मंगलुरु में 3800 करोड़ रूपया लागत की 8 परियोजनावां की करया शुरूआत। मंगलुरु पत्तन प्राधिकरण आधुनिकीकरण लई परियोजनावां भी करया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी माले लिखी की किताब मोदी एट 20 माले पहली आला केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जयपुर एक निजी विश्वविद्यालय में दे दिया व्याख्यान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता है शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर रा भणियाणा रमाए 59 करोड़ रूपया रा विकास रा कामकाज की धरिया नींव। कया जैसलमेर रा विकास में दिया है नुआ कीर्तिमान थापे। राज्यपाल कलराज मिश्र सु जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करया मुलाकात। राज्यपाल प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ है कानून व्यवस्था ने लेकर बातचीत। आज प्रदेश में जयपुर समेत कई जगह भी थोड़ी घनी बिरखा। मौसम महकमा मुजब 8 सितंबर से फिर सक्रिय वेला मानसून। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर्नाटक मंगलुरु में 3800 करोड़ रूपया लागत री 8 परियोजना वाली शुरूआत करया। इन साथ ही वे मंगलुरु पत्तन प्राधिकरण आधुनिकीकरण री परियोजना वारो भी उद्घाटन करया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और पूरी हो चुकी योजनाओं को देश को समर्पित किया। पीएम ने मंगलुरु में करीब 3800 करोड़ रुपए की लागत वाली यांत्रिकीकरण और औद्योगिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने नव मंगलुरु पत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित कंटेनरों और अन्य माल के प्रबंधन के उद्देश्य से गोदी नंबर 14 के यांत्रिकीकरण के लिए 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजना का भी उद्घाटन किया। इस परियोजना का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ने बंदरगाह द्वारा संचालित लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से तारकोल और खाद्य तेल वाहक पोतों का कामकाजी समय कम होगा और माल भाड़े में भी कमी आएगी। पीएम मोदी ने कुलाई के मत्स्य बंदरगाह के विकास की आधारशिला भी रखी। इसके जरिए मछली पकड़ने और विश्व बाजार में उनकी बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा संचालित 2 परियोजनाओं BS-6 उन्नयन परियोजना तथा समुद्री जल विलवणीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। BS-6 उन्नयन परियोजना लगभग 1830 करोड़ रुपए की है जिसमें BS-6 मानक वाला पर्यावरण के लिए अत्यधिक शुद्ध इंजन तैयार होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कर्नाटक में व्यापार कारोबार और उद्योग को और ताकत मिलेगी और व्यापार सुगमता को भी और बल मिलेगा। इन प्रोजेक्ट से कर्नाटक में व्यापार कारोबार को उद्योग को और ताकत मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिलेगा। विशेष रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत विकसित किए जा रहे कर्नाटका के किसानों और मछुआरों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना और आसान होगा। भारतमाला से सीमावर्ती राज्यों के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त किया जा रहा है तो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को सागर माला से शक्ति मिल रही है। भाई और बहनों, बीते वर्षों में देश ने पोर्ट लेड डेवलपमेंट को विकास का एक अहम मंत्र बनाया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि सिर्फ 8 वर्ष में भारत के पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग 2 गुनी हो गई है। डबल इंजन की सरकार
देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। देश की जनता की आकांक्षा हमारी सरकार के लिए जनता के आदेश की तरह है। देश के लोगों की आकांक्षा है कि भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज देश के कोने कोने में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। देश के लोगों की आकांक्षा है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा शहर मेट्रो कनेक्टिविटी से जुड़े हो। हमारी सरकार का प्रयास है, उसी की वजह से पिछले 8 साल में मेट्रो से जुड़े शहरों की संख्या 4 गुना हो चुकी है। देश के लोगों की आकांक्षा है उन्हें आसानी से हवाई उड़ान की सुविधा मिले। उड़ान योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यात्री हवाई जहाज में सफर कर चुके हैं। देश के लोगों की आकांक्षा। ब्रिटेन में हरार भारत विश्व की 5वीं सबो बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयो है। विश्व की 5 सबो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत रह सागे अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माले लिखी की किताब मोदी एट 20 माले आज पहली आला केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जयपुर रा एक निजी विश्वविद्यालय में व्याख्यान दे रिया है। कार्यक्रम रवाए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद है। डॉ सतीश पूनिया कहा कि मोदी जी रा 20 वर्षारी राजनीति की उपलब्धियां ले देशभर में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहा कि मोदी एट 20 कार्यक्रम सगड़ा कार्यकर्ता खातर आदर्श और सीख दे वालो कार्यक्रम है। बहुत कुछ बदला है और नया भारत का रूप बुनियादी समस्याओं के समाधान से लेकर वैचारिक मुद्दों के समाधान तक दिखता है। और इस पूरी अनंत यात्रा में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के 8 वर्ष और उनके मुख्यमंत्री काल के 12 वर्ष, कुल मिलाकर 20 वर्षों की राजनीति जो पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस मोदी जी के कारण हुई है, उसका एक बड़ा आयोजन आज है। माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री इसको संबोधित करेंगे। पूरे प्रदेश भर में ऐसे लगभग सभी आयोजन हम लोगों ने शुरू किए। केंद्रीय राजमार्ग और परिवहन राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह कल भरतपुर का एक दिन का दौरा माड़ा आया। सम्मेलन दौरान केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माड़ा लिखेगी मोदी एट 20 किताब रे बाबत जनसभा ने संबोधित कराया। ये 2014 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जैसलमेर जिला रा भणियाणा में 59 करोड़ रूपयारी लागत रा कामकाज री नींव धरया। इन मौके मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार जैसलमेर रा विकास में कोई कमी नहीं राखी है, अठे हर खेतर में विकास रा कीर्तिमान स्थापित किया है। वे कहा कि प्रदेश में सड़क रा ढांचा ने मजबूती देबा खातर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्यपाल कलराज मिश्र सु आज जोधपुर आ सर्किट हाउस रे माए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मिलिया। इन अलावा राज्यपाल प्रशासन और पुलिस अधिकारी बैठक भी लेना। इन दौरान कानून व्यवस्था और दूजा विषय माथे चर्चा करेगी। बैठक रे माए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस आयुक्त रविदत्त गोड समेत कई अधिकारी मौजूद था। राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर रा 2 दिन रा दौरा माड़ा है। अठे वे पुलिस विश्वविद्यालय में एक कॉन्फ्रेंस हॉल रो उद्घाटन कराया। इंडे अलावा राज्यपाल समीक्षा बैठक लेना, जिंडे बाद जोधपुर रा विश्वविद्यालय रा कुलपति आपापरा विश्वविद्यालय री प्रगति और दूजा विषय माथे राज्यपाल ने जानकारी देना। इन बीच राज्यपाल कायलाना झील पोकर प्राकृतिक सौंदर्य ने देखे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला में उतार चढ़ाव बनियोड़ो है। राज्य में कुल 262 नवा मामला सामने आया है, या में सब 75 संक्रमित जयपुर में मिला है। इन अलावा अलवर में 27, जोधपुर में 26, प्रतापगढ़ में 20, भीलवाड़ा में 14, अजमेर और सीकर में 12, उदयपुर में 8, चित्तौड़गढ़ और कोटा में 7, भरतपुर और बीकानेर में 6, झुंझुनू और नागौर और
टोंक में 5-5, दौसा और सिरोही में 4-4, बांसवाड़ा, बूंदी, चूरू, झालावाड़, करौली, पाली, राजसमंद और सवाई माधोपुर में 2-2 और बाना, बाड़मेर और हनुमानगढ़ में 1-1 नवो मरीज मिले है। इन बीच 424 संक्रमित स्वस्थ हुआ है। राज्य में काल संक्रमण से 1 जनारी मौत हुई है। जयपुर जिला में बढ़ता लंपी रोग री रोकथाम खातर जिला प्रशासन कार्य से पूरी जुगत करी जा रही है। इन्हीं कड़ी में काल जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित दूदूरा खुड़ियाला आज सुनाडिया ग्राम पंचायत तो दौरो करया। इन दौरान वे पशुपालका से बातचीत कर लंपी रोग से बचाव बाबत जानकारी देना। उत्तर पश्चिम रेलवे रो जोधपुर समदड़ी रेलखंड बिजली सुचाल वाली रेलगाड़ी ने चलावा खातर तैयार है। काल जोन का मुख्य विद्युत अभियंता राजेश मोहन इणमाला 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सुचाल वाली बिजली रेलगाड़ी दौड़ा परीक्षण करया। इन मंडल में अबारताड़ी 152 किलोमीटर रूट खंड माला बिजली रो काम पूरो कर लियो गयो है। श्री गोपाल जी महाराज री 204वीं हेडारी फेरी काल जयपुर शहर में काटेगी। या फेरी सुमारे नरसिंह मिंदर से रवाना वे गोपाल जी मिंदर जौहरी बाजार वहती हुई सिंजा सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पुगी और गोपाल जी रा मिंदर में पूरी पैगी। इंडमाय हाथी घोड़ा और ऊंटारो लवाज में भी शामिल थियो। जयपुरा जवाहर कला केंद्री सुरेख आर्ट गैलरी में काल राजुला लुनारा फाइव फिंगर्स आर्ट स्टूडियो का निशु F13 ग्रुप चित्र प्रदर्शनी लगाएगी। राजसिकोरा चेयरमैन राजीव अरोड़ा और राजस्थान ललित कला अकादमी अध्यक्ष लक्ष्मण व्यास इंडो उद्घाटन करया। इंडमाए 13 कलाकार 40 चित्र दर्शाया गया है। यह नुमाइश 5 सितम्बर ताने चलेला। प्रदेश में काल कई जगह थोड़ी घनी बिरखा वैबासो उमस में कमी आई है। राजधानी जयपुर रमाए काल से जा सरुवियो बिरखारो दौर देर रात तानी चाल तोरियो। मौसम महकमा मुजब 8 सितम्बर से एक फेरू मानसून सक्रिय व्यापारो अंदाजो है। इनसू राज्य रा दक्षिणी पश्चिमी हल्का रमाए चोखी बिरखा वह सके है। लाइन अपने नॉर्मल पोजीशन के उत्तर में स्थित है और राजस्थान के ज़्यादातर भागों में वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कहीं कहीं मध्यम से तेज दर्जे की बारिश रिपोर्ट हुई है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में लगातार 5-4 दिनों से अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क है। ऐसी परिस्थिति अभी भी अगले 5-4 दिनों तक बनी रहेगी, यानी पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी राजस्थान के कोटा उदयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर रहेगा। इसके अलावा 8-9 सितंबर से एक बार फिर से राजस्थान में मानसून के सक्रिय होने और बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक राम मंगलुरु में 3800 करोड़ रुपया लागत री 8 परियोजना वाली करिया शुरुआत। मंगलुरु पत्तन प्राधिकरण आधुनिकीकरण री परियोजना वो भी करिया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माले लिखी की किताब मोदी एट 20 माले पहली आला केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जयपुर एक निजी विश्वविद्यालय में दे दिया है व्याख्यान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई पदाधिकारी कार्यकर्ता है शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर भणियाणा रमाए 59 करोड़ रूपया विकास कामकाज की धरिया दी। कया जैसलमेर विकास में दिया है दुआ कीर्तिमान स्थापित। राज्यपाल कलराज मिश्र से जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करया मुलाकात। राज्यपाल प्रशासन और पुलिस अधिकारी के साथ है कानून व्यवस्था ने लेल करया बातचीत। और प्रदेश में जयपुर समेत कई जगह भी थोड़ी घनी बिरखा।
मौसम महकमा मुजब 8 सितंबर सो फेरू सक्रिय वेला मानसून। इंड साथ ही यह बुलेटिन अठाई पूरे नमस्कार।